दौसा जिले में कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है। यही कारण है कि अब तक दौसा में 165 मामले सामने आ चुके हैं। आज कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। इस मौके पर CMHO डॉक्टर PM वर्मा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों का इलाज जारी है, वहीं आसपास के इलाकों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। केस पॉजिटिव थे, उनमें से अधिकतर माइग्रेंट थे जो बॉम्बे से आए थे। बरितकी गांव में 14 लोग आए थे, उनमें से जो 5 पॉजिटिव निकले। साथ ही एक दिल्ली पुलिस से आया था बांदीकुई में, वो भी पॉजिटिव निकला है। वो दिल्ली पुलिस में जो कार्य करता है, 3 महीने से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया था, लेकिन वो अभी छुट्टी आया, वो पॉजिटिव निकला है। एक महिला पॉजिटिव निकली है जो डिलीवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसकी कोरोना की जाँच कराई हमने, उसमें पॉजिटिव निकली है। एक जयसिंहपुरा का ये संदिग्ध वो एक्चुअली में जेसी में चल रहा था, उसकी भी हमने कोरोना की जांच कराई, वो भी पॉजिटिव निकला। इस प्रकार करीब 20 लोग जो पॉजिटिव निकले। आज भी 3 पॉजिटिव आए हैं। अब तक जो कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 165 होगी, उसमें से हमारे 118 केस जो रिकवर कर चुके हैं, 57 केस हमारे एक्टिव केस चल रहे हैं।